नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नागसिंह सैनी ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें जहां किसानों का 133 करोड़ का बकाया माफ किए जाने की घोषणा की गई है, तो वहीं सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का भी ऐलान किया गया और भी कई बड़े ऐलान किए गए। किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए सबसे अहम कड़ी होती है वहाँ का अन्नदाता। कहते हैं एक किसान अगर संपन्न है, सुखी है, तो पूरा गांव, पूरा राज्य और पूरा देश सुखी और संपन्न है। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकारें सबसे ज्यादा किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। पिछले 10 सालों में किसानों के हित में अनगिनत योजनाएं बनाई गई और किसानों के उत्थान के लिए काम किए गए। ऐसे में हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का 133 करोड़ रुपए का बकाया माफ करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 10 नई फसलें खरीदना शुरू करेगी। इस घोषणा के बाद अब हरियाणा सरकार किसानों से एमएसपी पर कुल 24 फसलें खरीदेगी। ये केंद्र सरकार की नीति से मेल खाता है, जिसमें 24 फसलों के लिए एमएसपी का समर्थन किया गया है। इससे पहले हरियाणा में 14 फसलों के लिए एमएसपी था। ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज से हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसान की प्रत्येक फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 से पहले प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों के लिए 137 करोड़ रुपए का मुआवजा एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी घोषणा की कि ट्यूबवेलों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी नियम को हटा दिया जाएगा। सीएम ने किसानों के लिए 133 करोड़ का बकाया माफी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बिजली कंपनियों की तरफ से लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो कंपनियां उन्हें मुफ्त में बदल देंगी और किसानों से कोई शुल्क नहीं लेंगी। सीएम ने कहा कि किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हों, उन्हें एमएसपी का वास्तविक मूल्य मिलेगा। कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं, आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी, उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड है। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं, वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की
कुछ गांव की राशि अभी तक लंबी थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नू फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। हरियाणा की सरकार पिछले 10 वर्षों से सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर कर रही है। किसान और ज्यादा संपन्न हों और सुखी हों इसके लिए अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हो या फिर भावांतर भरपाई योजना, आज हरियाणा का किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर जोखिम मुक्त खेती कर रहा है और निश्चिंत होकर अपनी फसल का पूरा लाभ ले रहा है।